हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग विच वाज गिवन बाय द क्रेक एंड लॉकहार्ट इन 1972। तो इनकी ये बहुत फेमस थ्योरी रही ऑफ मेमोरी। चलिए आज पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, दे वर द वेरी मेन क्रिटिक्स ऑफ द मल्टी स्टोर मॉडल जो कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन थे ये मेन क्रिटिक्स? एक्चुअली ही वॉज फर्गस क्रेक एंड रॉबर्ट लॉकहार्ट, जिन्होंने मल्टी स्टोर मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया। एंड क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशंस उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं थी, उन्होंने इस थ्योरी में बिलीव नहीं किया। एंड इंस्टेड ऑफ इट 1972 में उन्होंने एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दिया, जिसको कि उन्होंने नाम दिया लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने बोला कि जैसे कि हमने मल्टी स्टोर मॉडल में बोला था कि 3 स्टोर्स होते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उन्होंने बोला ऐसे कोई भी स्टोर्स नहीं होते हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ मेमोरी है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग और रिहर्सल ऑफ ए स्टिमुलस। मतलब हमारी जो मेमोरी बनती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि किस लेवल की प्रोसेसिंग हो रही है, किस लेवल की रिहर्सल हो रही है ऑफ द स्टिमुलेशन में से कोई किस इंफॉर्मेशन की। तो बेसिकली उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग बताई। तो उन्होंने बोला द मोर वी थिंक अबाउट समथिंग द मोर लॉन्ग लास्टिंग इज द मेमोरी, जैसे कि क्रेक एंड लॉकहार्ट ने बताया इन 1972। उन्होंने बोला कि जितना हम एक इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे उतना ही लॉन्ग लास्टिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। और क्रेक एंड लॉकहार्ट ने 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग को डिस्टिंग्विश किया, फ्रॉम विच वी कैन मेक एन ऑब्जर्वेशन। उन्होंने डिस्क्राइब किया शैलो प्रोसेसिंग एंड डीप प्रोसेसिंग। वी विल डिस्कस अबाउट बोथ प्रोसेसिंग, कि क्या होता है शैलो प्रोसेसिंग एंड द डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ वेरी शैलो, मतलब ऊपरी सतह की प्रोसेसिंग होती है, बहुत आउटर और एक्सटर्नल प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि व्हेन वी कंसिडर द ओवरऑल अपीयरेंस और साउंड ऑफ समथिंग, इट जनरली लीड्स टू द स्टिमुलाई बीइंग फॉरगॉटन। मतलब जब हम बहुत ऊपरी सतह से कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट ओवरऑल अपीयरेंस, तो हम वो चीज़ को भूल जाते हैं, तब जो है शैलो प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट फेसेस दिखते हैं, मगर बाय द लंच टाइम हम वो सारे फेसेस को भूल जाते हैं। सिमिलरली जब हम अपनी कार ड्राइव करते हुए जाते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे आसपास से गुजरती हैं, तो हमें सारी गाड़ियों के कलर्स याद नहीं रहते, सारी गाड़ियों के नंबर्स याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उस टाइम शैलो प्रोसेसिंग हो रही होती है, क्योंकि बहुत आउटर लेवल की प्रोसेसिंग हो रही होती है। और नेक्स्ट जो उन्होंने बताया सिमेंटिक प्रोसेसिंग, जिसको कि उन्होंने बहुत डीप प्रोसेसिंग बोला है, जिसमें कि बहुत इलेबरेटिव रिहर्सल होती है। मीन्स हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत इलेबरेटिव रिहर्सल होता है, क्योंकि हम इस तरीके से फोकस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन पे, किसी भी स्टिमुलस में, जैसे कि थिंकिंग, हम बहुत सोचते हैं उसके बारे में, या फिर हम एक मीनिंग ऑफ वर्ड समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है, से फॉर एग्जाम्पल फ्लैबरगास्टिंग, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आपको ये बहुत लंबी अवधि के लिए याद रहेगा, बट अगर आपको इसका मीनिंग पता नहीं है आप, तो फिर आप इसे भूल जाएंगे। तो ये होता है डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इन द सिमेंटिक प्रोसेसिंग। जैसे कि कोई कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ, मीन्स कोई इवेंट्स हमारी लाइफ में होते ही रहते हैं, बट हम सारे इवेंट्स याद नहीं रखते हैं। तो जब हमें किसी इवेंट का कॉन्सिक्वेंसेस पता होता है या रिपरकशंस मालूम होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लड़ाई हो रही है, तो आप सिर्फ वो लड़ाई ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसे शाम तक या 2 दिन बाद भूल जाएंगे, मगर वो लड़ाई क्यों हो रही है, उसका रिजल्ट क्या निकला, अगर आपको याद रहता है तो वो आपके डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में चला जाता है एंड वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो क्या डिफरेंस हुआ? तो चलिए एक बार हम फिर से एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि शैलो प्रोसेसिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीडिंग अ न्यू स्टोरी इन्वॉल्व द शैलो प्रोसेसिंग। हम न्यूज़पेपर में एक कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ लेते हैं, वो शैलो प्रोसेसिंग, वो 1-2 दिन याद रहती है, अगर उसको रिवाइज नहीं करते तो हम उसको भूल जाते हैं, रिहर्स करते हैं। वाइल डीप प्रोसेसिंग में क्या होगा, अगर उसी स्टोरी के हम रिपरकशंस, कॉन्क्लूजन, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं, तो ये जो है इसके लिए डीप प्रोसेसिंग चाहिए होती है, एंड इट इंक्रीजेज द लाइकलीहुडनेस कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है लंबे समय के लिए याद रहेगी। जैसे कि जो लोग IAS के लिए प्रिपरेशन करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं एग्जाम से जाने से पहले, ताकि उसकी जो है डीप
सीमेंटिंग प्रोसेसिंग हो जाए। तो फ्रेंड दिस वॉज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द शैलो एंड द डीप प्रोसेसिंग, यही क्रेग एंड लॉकहार्ट ने अपने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में बताया था। इसी तरह से कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेन। अगर हम एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसकी बहुत परसेप्चुअल और विजुअल एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि और पेन जस्ट बोला, तो ये बहुत ऊपरी सतह की प्रोसेसिंग होती है जिसको कि शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है। अगर उसका हम मीनिंग पेन क्या है, कैसा दिखता है, तब जो है इसकी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इंक्रीज हो जाती है और ये बन जाता है डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। सो इसमें क्या आता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, किस लिए यूज़ होता है, लिखने के काम आता है। मतलब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक स्टिमुलस या एक इन्फॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट कर लेते हैं, उतना ही ये डीप और सिमेंटिक प्रोसेसिंग बन जाता है और ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो फ्रेंड दिस वॉज अबाउट दी क्रेग एंड लॉकहार्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, होप आपको समझ में आया होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।